हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, ये है एक्जोरा का फ्लावर। ये ऑरेंज कलर में है। एक्जोरा के बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लांट है। तो देखिए कितने सारे फूल इसमें जो है आए हैं। और यहाँ पे ये कैना लिली है येलो कलर्स के। और यहाँ देखिए, ये एक्जोरा के जितने भी फ्लावर्स है, कितने बड़े बड़े जितने इनके जो है साइजेस है, और बहुत सारे जो है खिले हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे हैं इनके कलर्स। देखिए बहुत सारे गुच्छों में जो है ये खिलते हैं। तो अभी अभी भी इनमें जो है फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से हो रही है। आप इनके जितनी प्रूनिंग करते हैं, उतने जो है नए नए ब्रांचेस इनमें से निकल के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी इसी तरह से इनको ग्रो किया है। और यहाँ देखिए, ये सबसे बड़ा वाला जो है फूलों का एक पूरा एक गुच्छा है यहाँ पे, और बिल्कुल ये डार्क ऑरेंज कलर में है। और देखिए, बहुत सारे जो है एक्जोरा के फ्लावर्स खिले हैं। तो दोस्तों, इनको लगाना बहुत ही इजी है। कटिंग से ये लग जाते हैं। धूपदार जगहों में जो है इन्हें रखना चाहिए। जहाँ धूप अच्छे से पड़ती हो, उसी जगह में इनको जो है लगाना चाहिए। जितने धूप इन पे लगेंगे, फ्लावर्स के कलर्स उतने ही ब्राइट दिखते हैं। तो शेडो एरिया में इनको ना लगाएं। जहाँ छाया है, उधर ना लगाएं इनको। धूप इन्हें काफ़ी पसंद है। तो काफ़ी हेल्दी ये वाला जो है एक फ्लावर है। ये एक ट्री बन चुका है। लगभग ये 5 फीट का हो चुका है। देखिए, ये इनको मिट्टी में ज़मीन पे लगाया गया है। तो दोस्तों, आप भी एक्जोरा प्लांट्स को लगाएं। बिल्कुल ज़ीरो केयर चाहिए इनको। पानी भी इनको जो है ज़्यादा नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मेरा चैनल आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।